द अनएक्सप्लेन मिस्ट्री हिंदी में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं इंसान के कई चेहरे होते हैं, लेकिन अगर किसी का चेहरा ही ना हो तो आप क्या कहेंगे। हम इस चैनल में अलौकिक और अविश्वसनीय कहानियाँ दुनिया भर से सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज की घटना कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 महीने पहले की बात है। ये घटना अपने आप में इतनी अद्भुत है कि साफ तौर पे ये कहना मुश्किल है कि ये कोई आत्मा है या फिर कोई अर्बन लेजेंड। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए और फिर मैं आपको सारी बात डिटेल में बताता हूँ। मैडम आप इधर चेहरा तो दिखाओ, चेहरा तो दिखाओ, चेहरे क्यों नहीं दिखा रहे आप? चेहरे में क्या दिक्कत है आपको? चेहरा दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? परेशानी है, दूर तक जा रहा है। बुलाइए पुलिस वाले का। क्या कह रहे हो? मैडम घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप है ना, घबराओ मत। लेकिन आप अपना चेहरा पता ही नहीं चल रहा, आपका चेहरा कहाँ है? और क्या सीन है यार, क्या चेहरा कहाँ गया आपका? तो जय जय जो भी आपका चेहरे को, आपका चेहरा चेहरा ही नहीं है यार। उतर जाओ, उतर जाओ। नहीं नहीं, पुलिस वालों ने बैठा है क्या? पुलिस वाले जिप्सी खड़ी तो बुलाना, जरा बुलाना जिप्सी वाले मुंडके में। ये लड़की का ये चेहरा ही नहीं है बिल्कुल, ये यार लेडीज का। बुलाना जरा मुंडके में, तो बैठाला जिप्सी वाला, समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो दिल्ली की है। एक अकेली औरत दिल्ली के DTC बस में सफर कर रही होती है और जब बस का कंडक्टर और ड्राइवर दोनों उससे पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, तो पहले वो ठीक से कुछ बताती नहीं है। थोड़ा और पूछने के बाद वो बोलती है उसे कहाँ जाना है, पर वो औरत काफ़ी अजीब बिहेव करती है। उसने अपने सर पे कोई कपड़ा या दुपट्टा डाला होता है जिससे कुछ साफ साफ नज़र नहीं आता। बस वालों को ये बात थोड़ी अजीब लगती है तो वो उस औरत को अपना चेहरा दिखाने के लिए बोलते हैं, पर वो अपना चेहरा नहीं दिखाती है। बोलती है कि उसे कोई परेशानी है, लेकिन बस वाले बोलते रहते हैं, मैडम आप घबराइए मत, आपको कहीं छोड़ना हो तो हम आपको छोड़ देंगे, आप अपना चेहरा तो दिखाइए। फिर वो महिला बोलती है, मेरा तो चेहरा ही नहीं है। सिर्फ यही स्टेटमेंट सुनकर कोई भी परेशान हो जाएगा और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर बात है क्या। वो महिला अपने सर से दुपट्टे को थोड़ा पीछे सरकाती है तो हम देखते हैं कि उसका कोई चेहरा ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी का चेहरा ही ना हो? हो सकता है ये लेडी किसी हादसे या फिर किसी दुर्घटना का शिकार बनी हो। दुनिया में दूसरे कुछ देशों में भी अलग अलग ऐसी कहानियाँ फेसलेस घोस्ट को लेकर हैं। जैसे अमेरिका के पिट्सबर्ग में 1924 में एक टनल बनाया गया था ट्रेन्स के गुजरने के लिए, और 40 साल बाद 1964 में उस टनल को अबैंडन कर दिया गया या छोड़ दिया गया। कहते हैं कि रात को अगर उस टनल के अंदर कोई टॉर्च बंद करके अंधेरे में ग्रीन मैन पुकारेगा तो उसके सामने कोई आदमी प्रकट हो जाएगा जो पूरा हरे रंग का होता है। इस ग्रीन मैन की कहानी ये है कि जब वो टनल बनाया जा रहा था तो वहाँ जो उस काम का इंचार्ज था उसको बहुत बड़ा बिजली का झटका लगा था जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। बिजली का झटका इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि उस आदमी के शरीर का चमड़ा बुरी तरह जल गया था और उसका चेहरा खराब हो चुका था। उस आदमी का चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही फेसलेस घोस्ट की कहानी सबसे पहली बार जापान से आई थी, कम से कम 200 से 300 साल पहले। इसे जापान में नोपेरा बो कहते हैं।
और ये स्पिरिट्स इंसान को डराने के लिए ही प्रकट होते हैं। कहानी के अनुसार एक आदमी अकासका रोड से ईदो नाम के किसी जगह पर जा रहा था और रास्ते में एक सुनसान पहाड़ी जगह से गुजर रहा होता है। उस रास्ते पर उसे एक जवान औरत दिखती है जो अकेले बैठ के रो रही होती है। वो आदमी इस औरत की मदद करने जाता है और पूछता है आखिर क्या परेशानी है उसको। वो औरत उस आदमी की तरफ मुड़ती है और जब वो आदमी उसे देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं है, उसके चेहरे पर आँख नाक मुंह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है और उस रोड से नीचे की ओर आ जाता है। भागते भागते रास्ते में उसे एक दुकान मिलती है। घबराया हुआ आदमी उस दुकान पे थोड़ा रिलैक्स करता है और पूरी घटना दुकानदार को सुनाता है। दुकानदार पूरी बात सुनने के बाद अपने चेहरे पे हाथ फेरता है और उसका चेहरा भी कुछ ही पल में गायब हो जाता है। सोचिए उस आदमी की डर से कितनी बुरी हालत हुई होगी जब उसने एक और फेसलेस घोस्ट को देख लिया। वो आदमी वही बेहोश हो गया और अगले दिन आसपास के गांव वाले उसे उठाते हैं और पूरी घटना के बारे में उन्हें पता चलता है। तब से ये कहानी वहां प्रचलित है और कई देशों में लोगों ने फेसलेस घोस्ट को देखने का दावा भी किया है। क्या सच है और क्या झूठ है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन कभी किसी रात को एक सुनसान जगह में आपको अगर कोई बिना चेहरे वाला शख्स दिख जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो आप अपनी कहानी भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर unexplainedmystery.hindi@gmail.com। अगर आपको ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक और अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा।